बाजार में ताजा हरा पालक आ चुका है और आज हम बनाएंगे पालक की एक टेस्टी सब्जी, जिसके लिए ना तो आपको पालक काटने की टेंशन, ना ही पालक उबालने का झंझट और ना ही आलू उबालने का झंझट। बहुत ही आसानी से सिर्फ 10 मिनट में हम बनाना सीखेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पालक कोफ्ता। रजवाड़ी रसोई में आपका स्वागत है दोस्तों। किसी भी रेसिपी को कम सामग्री और आसानी से बनाने का तरीका सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ताज़ा हरा पालक लिया है। भाई सर्दियों का मौसम है और आसानी से पालक मार्केट में मिल ही जाएगा आपको। उसे अच्छे से धो लें और उसके डंठल निकाल कर अलग कर दें। पत्ते वगैरह मैंने अलग कर लिए हैं और नीचे से उनके डंठल अलग कर लिए हैं और इन पत्तों को मैंने एक मिक्सर जार में भर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने पालक काटने की आपकी मेहनत को बचा लिया है। थोड़ा सा पानी डालें और पालक के पत्ते डालकर इस तरह से पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को मैंने एक बड़े बर्तन में इसलिए डाला है क्योंकि हमें इसके कोफ्ते रेडी करने हैं। कोफ्ते रेडी करने के लिए मैंने इसके अंदर बेसन डालना है, तो कम से कम 7 से 8 चम्मच बेसन मैं अभी डाल रही हूँ। अगर कम पड़ेगा तो हम और डाल लेंगे। बेसन डालने के बाद मैं कुछ बेसिक मसाले इसमें डालूंगी, जैसे कि नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि आपका बैटर आपको चेक करना है। अगर ये अच्छा नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, तो हम बेसन और डालेंगे। बेसिकली कोफ्ते बनाने के लिए हमें थोड़ा गाढ़ा बैटर चाहिए। तो ये मैंने इसके अंदर हल्दी भी डाली है और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं चेक करूंगी कि बैटर हमारा गाढ़ा है ना, कोफ्ते बनने लायक है ना। अगर कोफ्ते बनने लायक ये नहीं होता तो हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे और उस क्वांटिटी में मसालों को भी बढ़ा देंगे। तो एक तरफ चलाते हुए हमने अच्छे से इसका मिक्सर तैयार कर लिया है और इसमें मैंने डाला है गरम तेल। गरम तेल डालने के बाद इसके अंदर आपको कोई भी सोडा या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। अब एक ही दिशा के अंदर चला कर इस तरीके से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और लगातार घुमाने के बाद हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है कोफ्ते बनाने के लिए। तो ये एक तरफ मैंने सरसों का तेल पहले से ही गर्म कर रखा था, इसके अंदर मैं हमारे कोफ्ते डाल देती हूँ। बैटर को डालने के बाद ये फ्राई हो जाएंगे। आपको इन्हें उलट पलट करके फ्राई कर लेना है। आंच जो है वो मीडियम रखनी है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे कोफ्ते बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना हमने पालक काटा है, ना हमने इसे उबाला है और ना ही हमने आलू मैश किया है। हालांकि ये कोफ्ते बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोगों को आलू वाले बहुत पसंद होते हैं, कुछ लोग पालक काट कर बनाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से सब्जी बनती है और आप इसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। खैर आपको इसे मीडियम आंच पर तलना है। इस तरीके से उलट पलट करके तल लेंगे तो ये बहुत ही सुंदर एकदम सुनहरे रंग के हो जाएंगे और फिर आप इन्हें कढ़ाई से निकाल लें। इसी तरीके से आपको सारे कोफ्ते बनाकर रेडी करने हैं। दोस्तों ये सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। साथ ही ये कोफ्ते इतने टेस्टी लगते हैं ना कि आप इन्हें टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। चाय के साथ ये कोफ्ते और चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व करें, वो भी सबको बहुत पसंद आएगा। तो जब भी हमारे घर में ये सब्जी बनती है ना, कुछ कोफ्ते हमें एक्स्ट्रा निकाल कर अलग रखने पड़ते हैं। सब लोग इसे चाय और कॉफ़ी के साथ अलग से एज ए टी टाइम स्नैक्स खाते हैं। तो दोस्तों बातों बातों में मेरे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए थोड़े से पालक में पूरा प्लेट भर चुका है ना। तो अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए ये मैंने लिया है ऑयल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, और जीरा जब हमारा चटकने लग जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे करी पत्ता। तो दोस्तों बिना प्याज के मैं इस ग्रेवी को रेडी करने वाली हूँ। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाला टमाटर का ये पेस्ट। अब इस स्टेज पर अगर आपको प्याज डालना हो तो पहले प्याज डालें, उसे सुनहरा होने तक भून लें और फिर टमाटर का पेस्ट डालें। लेकिन यहाँ पर मैंने प्याज को स्किप किया है, इसलिए मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है। इसके अलावा ये मैंने कुटी हुई अदरक डाली है। मैं ये सब्जी बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। अगर आपको लहसुन के साथ बनानी हो तो
अदरक के साथ आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकती हैं। इसके अलावा मैंने डाली है हरी मिर्च कटी हुई और इन्हें मैं अच्छे से मिक्स करके कुछ देर के लिए पकने देती हूँ। अब बारी आती है मसालों की, तो मैंने डाला इसमें हल्दी और ये धनिया पाउडर, बेसिक मसाले जो सारी सब्जियों में डलते हैं वो ही हमें इसके अंदर डालने हैं, कोई भी अलग से खड़ा मसाला मैंने नहीं डाला है। ये है लाल मिर्च पाउडर और ये है नमक। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से पकने देंगे। दोस्तों क्या होता है, कोई भी सब्जी को बनाते वक्त उसके मसाले बहुत ही अच्छे से पके हुए होने चाहिए। अगर मसाले अच्छे से पके हुए हैं ना तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी सब्जियों में लोग एक्स्ट्रा खड़े मसाले ऐड करते हैं, पर मैं बहुत कम सब्जियों में खड़े मसाले ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी सब्जी वैसे ही बहुत परफेक्ट बनती है। और ये दही वाले कोफ्ते बनेंगे, मैंने फेटा हुआ इसमें दही डाला है। आपको दही कैसे फेटना है, थोड़ा सा दही लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसे बीट कर दिया। बीट करने के बाद आपका दही रेडी हो जाएगा और वो दही आपके इसके अंदर डालें, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और ये मैंने डाला फाइनली गरम मसाला। तो दोस्तों सारी चीज़ें हमारी डल चुकी है लगभग, बाकी हम डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से पकने देते हैं। ये इस सब्जी को बनाने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ 10 मिनट में सब्जी बन जाएगी। आपके घर कभी अचानक से कोई मेहमान आ जाए और आप इस कंफ्यूजन में हो कि क्या बनाएं, तो आप ये सब्जी बना सकती हैं। तो मैंने हरा ताज़ा धनिया भी डाल दिया है और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी। पानी मैंने ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि मुझे ग्रेवी रेडी करनी है। दोस्तों जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से पानी डालें। और ये एंड में मैंने डाला है किचन किंग मसाला। वैसे आपके पास अगर नहीं है किचन किंग मसाला तो आप स्किप कर सकती है, लेकिन इससे टेस्ट बढ़ जाएगा तो मैंने इसे डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और जब हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने लग जाएगी ना, तब हम उसके अंदर सारे कोफ्ते डाल देते हैं। तो ये मैंने इसमें सारे कोफ्ते डाल दिए और अब मैं इसे कुछ देर के लिए ढककर पकाने वाली हूँ। तो पहले मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर मैं इसे ढककर रख दूंगी। इससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे। तो ये मैंने कोफ्ते ढक दिए हैं, आँच को मैंने मीडियम कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट बाद एक बार आपको ढक्कन हटाना है और इसे अच्छे से चला देना है, ताकि आप ये चेक कर सकें कि सब्जी पकी है कि नहीं। नहीं पकी हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए वापस ढक कर पकाएं, सब्जी बिल्कुल रेडी टू ईट होगी। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ना कि लौकी के कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत बार आप जब ग्रेवी रेडी कर लेते हैं तो बाद में कोफ्ते डालें और चाहें ना पकाएं तो भी चलता है, उन्हें ढककर पकाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें होती है क्योंकि हमें बिल्कुल सॉफ्ट सब्जी बनानी है और ये हल्के से हार्ड हो सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें 5 मिनट जब ढककर पकाएंगे तो सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है, गाढ़ी गाढ़ी इसकी ग्रेवी बनी है, वो भी बिना प्याज के। लहसुन प्याज वाले भी इस सब्जी को बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है लहसुन प्याज में भी, लेकिन बिना लहसुन प्याज के भी ये बहुत अच्छी बनती है सब्जी। तो फ्रेंड्स फाइनली रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। कोफ्ते बनाने की ये सबसे आसान रेसिपी है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी ये सलाह है कि कम से कम एक बार इन सर्दियों में आपको ये सब्जी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसे गार्निश करने के लिए मैं इस पर थोड़ी सी मलाई भी डाल देती हूँ और फाइनली हम डालेंगे हरी धनिया पत्ती। तो ये रेडी टू सर्व है। तो फ्रेंड्स इस सब्जी को घर पर बनाएं, ज़रूर खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, और सब्जी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगली रेसिपी कौन सी देखनी है वो भी आप हमें बता सकते हैं। हाँ, अगली रेसिपी में अगर आपने हमें कुछ सजेस्ट किया और हमने वो बनाया तो हम आपका नाम भी ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।